शाहरुख खान अपने दोनों प्रोजेक्ट पठान और जवान की जबरदस्त सफलता से सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसके अलावा अभिनेता अपनी आगामी फिल्म डोंकी को लेकर भी खूब चर्चा में चल रहे हैं। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित फिल्म का टीजर और फिल्म का पहला ट्रैक लुटपुट गया पहले से ही इंटरनेट पर छाया हुआ है। इस बीच अभिनेता ने रिलीज से पहले माता रानी के दरबार का रुख किया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की आस्था उन हर फिल्म की रिलीज से पहले दर्शकों को देखने को मिलती है। अभिनेता को अपनी फिल्म की रिलीज से पहले अक्सर धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों का दौरा करते देखा जाता है। अब एक बार फिर शाहरुख माता वैष्णो देवी के दरबार में देखे गए हैं। फैंस इसे फिल्म डोंकी से जोड़कर देख रहे हैं। साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान और पठान के बाद अब शाहरुख को अपनी आगामी फिल्म डोंकी से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि इस फिल्म में शाहरुख पुराने एक्शन अवतार को दोहराते नजर नहीं आएंगे। फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के निर्देशन में 120 करोड़ की लागत से बनी फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सोशल मीडिया पर शाहरुख की यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा, शाहरुख पर माता रानी का आशीर्वाद है, बॉक्स ऑफिस पर एक और हिट का बेसब्री से इंतजार है। दूसरे यूजर ने लिखा, किंग खान फिर से अपने जादू से सभी का मनोरंजन करने वाले हैं, फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। एक और यूजर ने लिखा, शाहरुख माता रानी में कितना भरोसा करते हैं, ये देखकर सच में मन खुश हो गया। पठान और जवान की मेगा सफलता के बाद शाहरुख 2023 में हैट्रिक की तलाश में हैं। वो दिसंबर में राजकुमार हिरानी निर्देशित डोंकी की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि डोंकी का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है और फिल्म हिरानी अभिजात जोशी और कनिका ढिल्लन द्वारा लिखी गई है। If you like this video, please like and subscribe our channel. Thanks for watching Samagram.